हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंटों की प्रिजम्पशन के बारे में बात करेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट के संबंध में क्या अवधारणा की जाएगी, न्यायालय क्या मानेगा। एविडेंस एक्ट में क्या दे रखा है कि डॉक्यूमेंट ऐसा होगा तो उसके संबंध में क्या विधि है, क्या अवधारणा है, और अवधारणा क्या होती है, ये बहुत अच्छे से समझने के लिए शैल प्रिज्यूम क्या है, मे प्रिज्यूम क्या है, ये आपने हमारे जब हमने सेक्शन 4 पढ़ाया था तब आपने अच्छे से समझा होगा, और जिनको नहीं मालूम वो दोबारा से इस लेक्चर को जरूर देख ले, अच्छे से समझ आएगा। तो हम बात करें, ये जो डॉक्यूमेंटों की प्रिजम्पशन के संबंध में पूरा चैप्टर है, सेक्शन 79 से लेकर 90A तक है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो डॉक्यूमेंट की उपधारणा और एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उपधारणा। और हरेक उपधारणा यानी कि डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उपधारणा को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है शैल प्रिज्यूम, फिर मे प्रिज्यूम, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम। इनको हम दो लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटों का प्रिजम्पशन के बारे में, हम बात करते हैं कि इसकी क्या उपधारणा है। तो जो हम बात करें डॉक्यूमेंटों की प्रिजम्पशन के बारे में, तो सबसे पहले जो शैल प्रिज्यूम वाला टॉपिक है, सेक्शन 79 से लेकर 85 और 89 सेक्शन है। तो सेक्शन 79 की हम बात करें, सेक्शन 79 में क्या लिखा हुआ है, तो सेक्शन 79 ये बता रहा है कि प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, यानी कि कोई सर्टिफाइड कॉपी है, कोई प्रमाण पत्र है, उसके बारे में यदि उपधारणा करनी हो तो कैसी उपधारणा करेगा। तो ये सेक्शन 79 बताता है कि उसके संबंध में जेन्युइननेस के संबंध में उपधारणा की जाएगी, ये माना जाएगा कि वो प्रमाणित प्रति असली है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है। ये सेक्शन 79 बताता है आपका। सेक्शन 80 बताता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साक्षी ने साक्ष के तौर पर दिया है, साक्ष्यों के अभिलेख के रूप में दिया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, या फिर कोई संस्वीकृति न्यायिक ऑफिसर के समक्ष की गई है। अब इसके संबंध में उस डॉक्यूमेंट को यानी कि साक्ष्यों के अभिलेख को कैसे मानेंगे, तो सेक्शन ये बताता है आपका, ये कहता है कि माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया है वो ओरिजिनल है, असली है, और जो संस्वीकृति की गई थी ये भी माना जाएगा कि नियमों के अधीन रहते की गई है, सही तरीके से की गई है, जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार। तो ये सेक्शन अब हमारा 80 हो गया। 81 ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स, न्यूज़पेपर एंड प्राइवेट एक्ट, यानी कि लंदन गजेट, न्यूज़पेपर और प्राइवेट एक्ट के संबंध में यदि उपधारणा करनी हो तो यहां पर कैसी उपधारणा की जाएगी। तो ये सेक्शन बताता है ये उपधारणा की जाएगी कि वो जेन्युइन है, असली है। तो ये है आपका सेक्शन 81। तो 81 में उसकी जेन्युइननेस के संबंध में उपधारणा न्यायालय करेगा। यहां पर शैल प्रिज्यूम का मतलब है उपधारणा करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 82 ये कह रहा है कि प्रिजम्पशन ऐसे डॉक्यूमेंट के संबंध में उपधारणा के बारे में बात कर रहा है जो बिना किसी सील के और सिग्नेचर के इंग्लैंड में एडमिसिबल है, और यदि वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो कोर्ट भी उनके बारे में उस डॉक्यूमेंट के संबंध में क्या उपधारणा करेगा। तो ये कोर्ट भी उनको स्वीकार कर लेगा और ये उपधारणा करेगा कि वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से सील्ड है, स्टैम्प्ड है और सिग्नेचर किए गए हैं, और वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, असली है, उनकी जेन्युइननेस के संबंध में उपधारणा करेगा। तो सेक्शन 82 किसके बारे में उपधारणा है, उन डॉक्यूमेंट के संबंध में उपधारणा है जो बिना किसी सील और सिग्नेचर के इंग्लैंड में एडमिसिबल कर लिए जाते हैं। तो ये सेक्शन आपका 82 था। तो सेक्शन 79 से लेकर 82 तक आप कोड वर्डिंग में भी याद कर सकते हो। सेक्शन 79 में है आपका सी यानी कि सर्टिफाइड कॉपी, आर में है आपका रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, और 81 में है गजेट यानी कि जी, 82 में है इंग्लैंड यानी कि। तो आपका सी आर जी ई, सी आर जी ई, सी का मतलब सर्टिफाइड कॉपी, आर का मतलब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, जी का मतलब गजेट, ई का मतलब इंग्लैंड। तो सी आर जी ई सेक्शन 79 से लेकर आपके 82 तक हो गए। तो इनकी आप लिस्ट बना लीजिएगा, आप सेक्शन ध्यान कर लीजिएगा। वैसे भी ये मेंस में नहीं आते हैं, ये प्री में आते हैं, और प्री में पूछेगा तो सेक्शन पूछेगा या फिर किसमें क्या उपधारणा है वो पूछेगा। आप तुरंत जाकर ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, सब समझ में आ जाएगा।
तो ये हमारा सेक्शन 79 से लेकर 82 तक हो गया। अब जो 83 सेक्शन है वो बात कर रहा है 83 MP3। M का मतलब मैप, P का मतलब प्लान और 3 का मतलब 83, यानी कि दोनों में 3 आ रहा है, 83 में भी MP3 में। तो 83 MP3 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा मैप या प्लान जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो उसके संबंध में न्यायालय कैसी उपधारणा करेगा। तो उनके संबंध में उपधारणा जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि वो सही तरीके से बनाए गए हैं और एक्यूरेट है, यानी कि मेड के संबंध में और एक्यूरेसी के संबंध में न्यायालय उपधारणा करेगा, शैल प्रज्यूम है। तो 83 था। 84 की हम बात करें तो सेक्शन 84 ये बोल रहा है प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, यानी कि कोई ऐसा कलेक्शन ऑफ लॉ है या फिर किसी रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन के, डिसीजन के रिकॉर्ड है जो किसी ऐसे बुक में कंपाइल कर दिए गए हैं और वो जो बुक है गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए बनाई गई है, तो उस बुक के संबंध में जो उपधारणा है वो ये मानेगा न्यायालय कि ऐसी बुक जेन्युइन है, यानी कि बुक के जेन्युइननेस के संबंध में न्यायालय उपधारणा करेगा। तो ये था आपका 84। जो 85 सेक्शन है वो ये कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। 84 ये बोल रहा है कि भाई जो भी था आपने जो डॉक्यूमेंट था वो पावर ऑफ अटॉर्नी करा लिया, नोटरी करा ली, तो वो किस प्रकार से कराई गई थी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसके संबंध में सेक्शन 85 ये कह रहा है कि जो मुख्तारनामा था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो उसी प्रकार से एग्जीक्यूट की गई थी जिस प्रकार से निष्पादित की जानी चाहिए, और वह कैसी थी, ऑथेंटिकेटेड थी। तो दो है यहां पर प्रिजम्पशन पावर ऑफ अटॉर्नी सेक्शन 85 कि वह सही प्रकार से एग्जीक्यूटेड है और ऑथेंटिकेट है। तो ये था सेक्शन 85 और जो लास्ट सेक्शन बचा है इसमें 89। तो 89 सेक्शन है वो ये कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एंड स्टैम्प्ड ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस, यानी कि कोई ऐसे दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में आपसे कहा गया था कि कोर्ट में पेश करो, सेक्शन 66 का भी नोटिस चला गया था कि आप कोर्ट में पेश करो, फिर भी आपने पेश नहीं किया। तो ऐसे दस्तावेज के संबंध में यह उपधारणा करेगा न्यायालय कि वह क्या है, सही प्रकार से एग्जीक्यूटेड है और स्टैम्प्ड है। तो ये था आपका सेक्शन 89। जो रिलेटेड कंसर्न सेक्शन है वो सेक्शन 66, 163, 164। तो ये जो हमने पढ़ा वह डॉक्यूमेंट के सेल्फ प्रिजम्पशन के संबंध में हमने पढ़ा। अब डॉक्यूमेंट का, अब जो हमारा जो दूसरा है आपका यहां पर सेल्फ प्रिज्यूम का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेल्फ प्रिजम्पशन। तो आज जो सेल्फ प्रिजम्पशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो सेल्फ प्रिजम्पशन है उसके संबंध में आपके चार सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है वो 81A, और जो सेक्शन 81A है वो हमारे 81 के साथ पढ़ना चाहिए। 81 में क्या पढ़ा था हमने, गजट जी, जी के संबंध में उपधारणा थी, गजट के संबंध में उपधारणा थी। और यहां पर कैसा है 85A में, यहां पर है आपका इलेक्ट्रॉनिक गजट के संबंध में उपधारणा। तो यही माना जाएगा, वहां भी ये मान रहे थे कि वह कैसा है, जेन्युइन है, तो यहां भी उपधारणा करेंगे जेन्युइन है। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक गजट के संबंध में उपधारणा न्यायालय करेगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक गजट जेन्युइन है, सही है, असली है, यदि सही प्रकार से उसे सेफ कस्टडी में सही प्रकार से बनाया गया है। तो ये था 81A। उसके बाद तीन सेक्शन और है 85A, 85B, 85C। जो 85A है वो आपका, जो ये सारे जो 85A है वो बात कर रहा है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, यानी कि कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट बनाया है तो उसके संबंध में उपधारणा की जा रही है, और उस प्रकार से ये भी मान रहे हैं कि उस पर जो सिग्नेचर करने चाहिए तो उसी प्रकार से कर लिए गए हैं। तो यहां पर जो 85A में है न्यायालय उपधारणा करेगा है। मेन रूप से सेक्शन ध्यान रखना है ए यानी कि एग्रीमेंट, ए फॉर एग्रीमेंट, और सी 85C, सी फॉर सर्टिफिकेट, यानी कि 85A में एग्रीमेंट है, 85C में सर्टिफिकेट है। और जो 85B है वो ये बोल रहा है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर,
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर का सेक्शन 85 बी है, और जो 85 सी है वो है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसमें जो कंटेंट था यदि परिवर्तित नहीं किया गया है तो ये माना जाएगा कि वैसा ही है जैसे पहले था। तो ये हमारा सेक्शन 85 सी हो गया। तो 85 सी में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बात कर ली। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम आपका ये डॉक्यूमेंट के संबंध का शैल प्रिज्यूम हो गया और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में शैल प्रिज्यूम हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मे प्रिज्यूम, यानी कि डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में मे प्रिज्यूमशन। थैंक यू।